सिगरा थाना स्थित आईपी मॉल के सामने सड़क पर खड़ी बाइक में चाबी लगाते ही अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार के साथ ही राहगीर भाग खड़े हुए। पांडेपुर निवासी विश्वरंजन सिंह शनिवार की सुबह सिगरा स्थित आईपी मॉल के सामने अपनी बाइक खड़ी कर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद उन्होंने बाइक स्टार्ट करने के लिए जैसे ही चाबी लगाकर ऑन किया, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते इंजन और ऑयल टैंक वाला हिस्सा धू धू कर जलने लगा। क्या घटना हुआ? जस गाड़ी आगे खड़ा किए, उसका चाबी लगाए, बस आग पकड़ लिया है। गाड़ी कौन सी? होंडा स्टैनर थी। क्या नंबर थी गाड़ी की? गाड़ी थी आपका 5461। अचानक आग लगी। कहाँ रहने वाले हैं? पांडेपुर। यहाँ कहाँ काम, कहाँ काम करते हैं? यहीं पे अंदर शास्त्री नगर में। क्या काम करते हैं? जो जो इंटरनेशनल है वहीं पे जॉब करते हैं। गाड़ी का मालिक कौन है? मेरे बड़े भैया हैं। क्या नाम है? अविनाश सिंह। कपसेड़ी थाना क्षेत्र में वरुणा नदी पर इसरवार पुल के नीचे रंजीत सिंह की हत्या कर 15 जनवरी को फेंकी गई लाश के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने कपसेड़ी क्षेत्र के ही बनौली गांव के शातिर अपराधी मुन्ना राम व उसी गांव के भगवान राम को गिरफ्तार किया है। मुन्ना राम इससे पहले भी हत्या समेत विभिन्न धाराओं में 5 बार जेल जा चुका है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ मौजूद लोगों की खोज शुरू हुई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुन्ना राम और भगवान राम को गिरफ्तार कर लिया। शराब पी रहे थे, तो वही जहां घटना स्थल है जहां पे बॉडी मिली थी ऑफ क्राइम पे, वहीं पे पी रहे थे और आपस में बहुत छोटे से विवाद के कारण, ईंटों से एक दूसरे पे वार करने के कारण उनके सिर पे चोटें आईं और इन दोनों ने मिलकर उनका शव वही जो नदी है उसमें फेंक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी स्कूटी को लेकर के ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। बाद में साक्षी को मिटाने के लिए इन्होंने उनकी स्कूटी को जलाने की कोशिश की और जब पूरी तरह नहीं जली तो बचे हुए पार्ट्स को इन्होंने अपने गांव में ही अपने घर के पास के एक सूखे कुएं में फेंका, जो कि भी बरामद कर ली गई है इनके निशान। दिव्यांग छात्र से छेड़खानी के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने छात्र छात्राओं का धरना दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। कुलपति आवास के बाहर छात्र कुलपति छात्रा अधिष्ठाता मुख्य आरक्षित अधिकारी वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। विरोध प्रदर्शन में दिव्यांग छात्र भी शामिल रहे। छात्र ने बताया कि प्रोक्टोरियल बोर्ड और लंका थाने में इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया है। बाद में उसे थाने से जमानत मिल गई। छात्र छात्राएं आरोपित को थाने से छोड़ने से नाराज हैं। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा के अनुसार 25 जनवरी को वो अपने छात्रावास से कला संकाय के लिए पैदल निकली थी, उसी वक्त उसके साथ छेड़खानी की गई। सिकरा थाना क्षेत्र के महमूरगंज में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर खुली फर्जी कंपनी के लोग बेरोजगारों को झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूले और ताला बंद कर भाग निकले। शनिवार को नौकरी देने की बारी आई तो दर्जनों युवक ऑफिस पहुंचे। जब कंपनी के लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगे तो बेरोजगारों को ठगे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद दर्जनों युवक सिकरा थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। बेरोजगारों ने बताया कि अमरजीत कुमार सिंह व 2 महिलाएं जीविका व अंजलि ने एक उड़ान कंसल्टेंसी नामक कंपनी खोली थी। कंपनी ने नेट पर विदेशों में मोटी सैलरी पर नौकरी दिलाने का विज्ञापन दिया था। कंपनी ने प्रति बेरोजगार 55,000 रुपए वसूले थे। थाना समाधान दिवस पर शनिवार को राजा तालाब व मिर्जा मुराद थानों पर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन विक्रांत वीर व अपर जिलाधिकारी ने लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया गया। कहा गया कि टीम समस्या का 100% निष्पक्ष निस्तारण करे। पुलिस उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें। बनारस इस समय टोटो गाड़ियों के मकर जाल में फंस गया है। हर गली मोहल्ले में ये टोटो चालक अपनी गाड़ी खड़ी कर दबंगई कर रहे हैं। मैदागिन चौराहे पर तो लोगों का जीना दुभर हो गया है। इसी रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर व काल भैरव मंदिर पर्यटक जाते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में टोटो वाले पूरे इलाके में आतंक मचा रखे हैं। इनका पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्षेत्रीय लोगों व दुकानदारों का कहना है ट्रैफिक पुलिस इसके लिए जल्द से जल्द कहीं दूसरी निर्धारित कर पार्किंग की जाए, अन्यथा मामला कभी भी विस्फोटक हो सकता है। मारपीट की शिकायत आ रही है, परंतु इसमें देखने वाला लायक यह विषय है कि जो आतंकी टाइप के, जो सामाजिक टाइप के जो टोटो चालक हैं, जो आजकल लगातार कहीं नहीं है, पूरा एकदम जाम का अंबार लगा हुआ है। आने जाने में कितने लोगों की दिक्कत परेशानी हो रही है। इन लोगों को किसी एक जगह व्यवस्थित रख देना चाहिए ताकि जो है कि आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो लोगों को। पूरा सड़क देख रहे हैं एकदम सफा हुआ है, आप देख लीजिए पूरा एकदम जाम लगा हुआ है।
सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में धोती कुर्ता पहने चुटियाधारी तिलकधारी क्रिकेट मैदान में उतरे तो सबकी निगाहें थमसी गई। इसके बाद इन खिलाड़ियों ने जमकर चौके छक्के उड़ाए। मौका था संस्कृत भाषा व इसके संवर्धन के लिए प्रयत्नशील दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 79वीं स्थापनोत्सव का। हर साल यह मैच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर होता रहा है। वहीं दूसरी ओर बीएचयू के पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग की ओर से एमपी थिएटर मैदान पर शनिवार को क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। 12 ओवर के इस मैच में एमए मास कम्युनिकेशन टीम के कप्तान मनीष ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव डंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विवादित स्थल पर स्थित माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने नवाह परायण रामचरितमानस पाठ के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि जब से औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा तब से काशी के कथा व्यास व साधु संत बाबा विश्वनाथ को रामकथा सुनाते हैं। एक कथा कार्तिक व एक कथा माघ मास में होती है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होती है। इसका उद्घाटन व समापन सर्वप्रथम माँ श्रृंगार गौरी प्रतीक्षारत नंदी व अंत में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन से होता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 65 वर्षों का रिकॉर्ड सरकार के पास है। इसके बाद काशी के साधु संत और काशी के कथा व्यास ये बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाते हैं और राम कथा सुनाने में एक कथा होती है कार्तिक मास में, एक होती है माघ मास में। तो माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर के ये पूर्णिमा को कथा पूर्ण हो जाती है। तो ये इस कथा के उद्घाटन और समापन में बाबा विश्वनाथ के राम कथा के सर्वप्रथम माँ श्रृंगार गौरी का, तदुपरांत प्रत्यक्षारत नंदी और फिर विश्वनाथ जी का पूजन करके कथा प्रारंभ होती है। और यह वर्षों से 65 वर्षों का रिकॉर्ड तो सरकार के पास है और सैकड़ों वर्षों से औरंगजेब के जमाने से ये पूजन कथा चल रही है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष संघ वीडीए सभा कक्ष में विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि G20 समिट के आयोजन के अवसर पर शहर बनारस को स्थायी रूप से आदर्श लुक देने और साफ सुथरा बनाने की तैयारी जोरों पर है। डीएम ने लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, वाराणसी व्यापार मंडल सहित विभिन्न व्यापार मंडलों का आह्वान किया कि हम और आप सब मिलकर एक अभियान चलाएं और शहर को स्थायी रूप से साफ सुंदर और दर्शनीय बनाएं। डीएम ने बताया कि इस संगठन को अलग अलग स्ट्रीट, चौराहे, मार्केट आदि उनकी सुविधा के अनुसार आवंटित किए जा रहे हैं, जिसे वे एक रूपता देने और सुंदरीकरण कराने का कार्य करेंगे। शुक्रवार को माँ सरस्वती की प्रतिमाओं का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। शहर भर में जगह जगह लगे पंडालों से माँ सरस्वती की प्रतिमाओं को बाहर निकालकर प्रशासन की ओर से निर्धारित तालाबों और पोखरों में विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तों ने नाचते गाते माँ को विदा किया। निर्धारित तालाबों व कुंडों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। भक्तों ने पंडालों में सरस्वती प्रतिमाओं को स्थापित किया था। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान पूर्वक से पूजा अर्चना की गई। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।